अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, टुडे इज 7 मई एंड योर डायरी इज लेसन नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 5 to 7। ट्रांसलेशन करेंगे उसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स, यानी टेस्ट और जो इम्तिहानात हैं एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयारी। प्लान यानी मनसूबा बंदी करें। एंड मे का टाइम टेबल, और एक टाइम टेबल बनाएं फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए। लेयर फरागत एंड फिज़िकल एक्टिविटी, और जिस्मानी सरगर्मी के लिए। टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में तवाज़न रखने के लिए। अपनी ज़िंदगी में तवाज़न रखने के लिए अपनी पढ़ाई, फरागत और जिस्मानी सरगर्मी के लिए टाइम टेबल बनाएं और मनसूबाबंदी करें। गेट इन टू द हैबिट, आदत अपनाएं ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम। होमवर्क यानी घर का काम प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, इन टाइम, वक्त पर। घर का काम बेहतर तरीके से और वक्त पर करने की आदत बनाएं। आस्क द टीचर, आस्क द टीचर अपने उस्ताद से पूछिए। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो अपने टीचर से पूछिए, अपने उस्ताद से पूछिए। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव, अपने उस्ताद से पूछिए हाउ टू इम्प्रूव, कि किस तरह बेहतर बनाया जाए योर वर्क, अपना काम, कि आप किस तरह अपने काम को बेहतर बनाएं, ये अपने उस्ताद से पूछिए। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम, घर पर अपना जो पढ़ाई की जगह है उसको साफ़ सुथरा रखें। एट वेयर यू हैव नॉट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू। हीप कहते हैं ढेर को, स्टफ़ यानी चीज़ें, मवाद वगैरह, अराउंड यानी इर्द गिर्द, टू डिस्ट्रैक्ट यू, डिस्ट्रैक्ट होता है तवज्जो हटाना, यू आपकी। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम, घर पर अपनी पढ़ाई की जगह को साफ सुथरा रखें। वेयर यू हैव नॉट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू, जहाँ इर्द गिर्द चीज़ों का ऐसा ढेर ना लगा हो जो आपकी तवज्जो को हटा दे। स्टडिंग विद समवन, किसी के साथ पढ़ाई करना कैन बी हेल्पफुल, मददगार साबित हो सकता है, बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क। स्टिक होता है जुड़े रहना, टू द टास्क, अपने काम से, बट ओनली, लेकिन सिर्फ तब ही जब आप अपने अगर आप अपने काम से जुड़े रहें। वर्किंग अलोन, अकेले काम करना इज़ बेस्ट, बेहतरीन है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्ज़ाम्स ऑन योर ओन, आपको अपने टेस्ट और इम्तिहानात खुद ही देना होंगे। वेदर यू आर अ मॉर्निंग लार्क कहते हैं सुबह जल्दी उठने वाले परिंदे को कहते हैं, यहाँ उस स्टूडेंट को कहा गया है जो बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता है। वेदर यू आर अ मॉर्निंग लार्क और अ नाइट ओल यानी ओल कहते हैं उल्लू को जो रात देर तक जागते हैं। अब यहाँ पे वो ऐसे स्टूडेंट जो लेट नाइट तक स्टडी करते हैं। वेदर यू आर अ मॉर्निंग लार्क और अ नाइट ओल, हाँ आप कोई सुबह जल्दी उठने वाले हैं या रात देर तक जागने वाले हैं। मेक योर स्टडी टाइम, अपना पढ़ाई का, मेक योर स्टडी टाइम व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट एंड एनर्जेटिक। अलर्ट मतलब चौकस होना, होशियार होना, एंड एनर्जेटिक पुरजोश। तो अपना पढ़ाई का टाइम वो रखें जब आप बहुत ज़्यादा चौकस हैं,
चुस्त हैं और पुरजोश हैं। इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप थक गए हैं और नींद आ रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तब आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्रैमिंग स्टफ, स्टफ कहते हैं मवाद को, क्रैमिंग यानी रट्टा लगाना। क्रैमिंग स्टफ इन टू योर ब्रेन जस्ट बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम, टेस्ट या इम्तिहान से कुछ पहले चीज़ों का रट्टा लगाना डज नॉट वर्क, वो काम नहीं देता। वो यू आर मोर लाइकली होता है इम्कान होना किसी चीज़ का। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट भूलना वट यू हैव ऑलरेडी लर्न, इस चीज़ का ज़्यादा इम्कान है कि जो आपको जो आपने पहले याद किया वो भी आपको भूल जाए। एंड गो इंटू अ पैनिक होता है हवास में ना रहना, यानी परेशान हो जाना। एंड गो इंटू अ पैनिक, और आप परेशान हो जाएंगे। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, यानी मुश्किल चीज़ों पर पहले काम करें। एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू इंजॉय फॉर आफ्टर, सेव यानी रख लें, सेव द सब्जेक्ट्स, उन मजामीन को यू इंजॉय, जो आप जिनसे आप लुत्फ उठाते हैं, फॉर आफ्टर यानी बाद के लिए उनको रख लें। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, सबसे पहले मुश्किल जो चीज़ें हैं उनको कर लें। एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू इंजॉय फॉर आफ्टर, और उन मजामीन को जो आपको अच्छे लगते हैं या जिनसे आप लुत्फ उठाते हैं, उनको बाद के लिए रख लें। प्रैक्टिस आउट लाउड, ऊंची आवाज़ से मश्क करें। इफ़ यू हैव मश्क करना, प्रैक्टिस मीन मश्क करना। इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन होता है किसी चीज़ का इजहार करना, ओरल ज़ुबानी। प्रैक्टिस आउट लाउड, ऊंची आवाज़ से मश्क करें। इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन, अगर आपको ज़ुबानी किसी चीज़ का इजहार करना है, ट्राई इट आउट ऑन फैमिली, ख़ानदान एंड फ्रेंड्स, दोस्तों। इसको ख़ानदान और दोस्तों पर आजमाएं या उसके ऊपर करके देखें, सो दैट ताकि यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, एतमाद। बिल्ड अप होता है कायम करना, सो दैट ताकि आप अपना एतमाद कायम कर सकें। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसको ख़ानदान और दोस्तों पर करके देखें, करने की कोशिश करें, सो दैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, ताकि आप अपना एतमाद कायम कर सकें। ये था आज का आपका लेसन।